खबर आपको दे दें, इसराइल ने जंग में हमास के 7 कमांडरों को मार गिराने का दावा किया है। IDF का दावा है कि उसने 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हमास के 7 कमांडरों को ढेर कर दिया है, जिससे हमास को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। एक दिन पहले ही इसराइल ने दावा किया था कि उसने हमास की रॉकेट यूनिट के प्रमुख अबू ज़ीना को मार गिराया। तो मोसाद की मदद से हमला नाकाम करने का दावा किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इसराइल ने जंग में हमास के 7 कमांडरों को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि जो भी दावे IDF की तरफ से किए जाते हैं, हमास उन दावों को नहीं मानता। तो 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हमास के 7 कमांडरों को ढेर कर दिया गया है। गाजा का क्षेत्रफल एक छोटे से शहर से भी छोटा है, लेकिन यहाँ की जमीनी जंग लड़ना इसराइल के लिए पहाड़ जैसा साबित हो रहा है। हमास को सबसे बड़ा फायदा होम ग्राउंड का मिल रहा है। हमास के आतंकी एक ही जगह पर खड़े खड़े ये जंग लड़ रहे हैं, जबकि इसराइल की सेना के सामने मुश्किल ये हो रही है कि उसे हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ रहा है। टारगेट ढूंढने के लिए उसे कई कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। एक गोली चलाने से पहले घंटों का इंतजार करना पड़ता है, जबकि हमास के सामने ऐसी चुनौतियां बिल्कुल नहीं है। जमीनी जंग में 4 चक्रव्यूह। गाजा में जीत अभी बहुत दूर है। हमास को हराना आसान नहीं। गाजा की भूल भुलैया में नेतन्याहू की सेना उतर तो गई है, लेकिन इस भूल भुलैया में हमास का चक्रव्यूह उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इसराइल की सेना पर जल्द से जल्द गाजा फतह करने का दबाव है। दबाव बंधकों की रिहाई का भी है और युद्ध के बीच बड़ा चैलेंज हमास के खात्मे का भी है। फिलहाल गाजा का जमीनी युद्ध शहरी क्षेत्र तक पहुंच गया है, जहां बड़ी बड़ी इमारतों के बीच इसराइल की सेना को अर्बन वॉरफेयर की नीति अपनानी पड़ रही है। इसमें आम लोगों को हमलों से बचाने का बड़ा चैलेंज इसराइल की सेना के सामने है। शहरी इलाके में युद्ध के बीच खतरा हमास के लड़ाकों के गुरिल्ला युद्ध का भी है। हमास के लड़ाके जमीनी युद्ध में अपने इलाकों से अच्छी तरह वाकिफ है, जबकि ये एडवांटेज इसराइल की सेना को नहीं है। गाजा में इस वक्त जमीनी युद्ध कैसे लड़ी जा रही है, उसे इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए। ये दोनों युद्ध का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। पहले वीडियो में इसराइल की सेना हमास की आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका सफाया कर रही है। दूसरा वीडियो हमास आतंकियों का है। जमीनी युद्ध में हमास आतंकियों को अपने टारगेट को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि टारगेट खुद चलकर उनके पास आ रहा है और वो शहर की सकरी गलियों और इमारतों की आड़ में इजरायली सेना और उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। यानी युद्ध दोनों लड़ रहे हैं, इजरायल की सेना भी और हमास की आतंकी भी, लेकिन दोनों के बीच जमीनी युद्ध में हमास आतंकियों को अपने होम ग्राउंड का बड़ा फायदा मिल रहा है। गाजा की फतह पर निकले इसराइल की सेना के सामने समस्या इतनी भरी ही नहीं है। गाजा सिटी की सकरी गलियों और सुरंगों में हमास आतंकियों को लोकेट करने के साथ ही इसराइल की सेना बंधकों की भी लोकेशन ट्रेस करने में लगी है। जमीनी जंग के लिए इसराइल की सेना ने गाजा को दो हिस्सों में बांटा है, पहला उत्तरी गाजा और दूसरा दक्षिणी गाजा। हमास की सीक्रेट सुरंगों का सबसे बड़ा जाल उत्तरी गाजा में ही है।
यहां पर इसराइल की सेना सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है, जबकि दक्षिणी गाजा में इसराइल का ऑपरेशन आम लोगों के बीच छिपे हमास आतंकियों के खिलाफ हो रहा है। हालांकि इस फाइनल ऑपरेशन में अभी वक्त लगने वाला है, क्योंकि हमास के आतंकी अभी भी कई इलाकों में इजरायल सेना का मुकाबला कर रहे हैं। सीक्रेट सुरंगें भी इस फाइनल ऑपरेशन में बाधा बन रही हैं। और बड़ी खबर इजरायल ब्राजील से मिल रही है। ब्राजील से जहां इजरायल की खुफिया एजेंसी और ब्राजील की सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ब्राजील में आतंकी हमले की साजिश हिजबुल्ला की ओर से रची गई थी। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि इस हमले के लिए ईरान की ओर से फंडिंग की गई थी और ये जो आतंकी हैं ये हिजबुल्ला संगठन के हैं। अमेरिका से इसराइल के लिए बहुत बेचैन करने वाली खबर सामने आई। खबर यह है कि इसराइल का बम बारूद वाला गोदाम खाली हो चुका है और अब तक की जंग में इसराइल की सेना ने इतनी भारी तादाद में गोले दागे हैं कि आने वाले वक्त में उसे बम इंपोर्ट करना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन नेतन्याहू का बड़ा डर अमेरिका को लेकर भी है, क्योंकि उसके पास भी सप्लाई के लिए उतने गोले ही नहीं बचे हैं। इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कैसे कर रहा है? ग्राउंड ऑपरेशन में सबसे मददगार हथियार कौन सा है? गाजा में अंदर तक पहुंचने के लिए इजराइल की सेना अपने रास्तों को कैसे साफ कर रही है? जवाब है इजराइल के टैंक से अटैक। इजराइल का तोप से हमला। लेकिन अमेरिका से जो खबर आई है वो इस ऑपरेशन की राह में रोड़े अटकाने वाली है। खबर है कि इसराइल का गोला बारूद खत्म होने की कगार पर है, तोप के गोलों का गोदाम खाली हो चला है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध में इसराइल के टैंक दम तोड़ने लगेंगे, इसराइल की तोपें गाजा में आग उगलना बंद कर देंगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका से इसराइल के लिए बहुत बेचैन करने वाली खबर आई है। गाजा की जमीन पर इसराइल बारूद की बारिश कर रहा है, बम बरसा रहा है, मिसाइलें चला रहा है, टैंकों से आग उगल रहा है, तोपों से गोले बरसाकर गाजा को तबाह करता जा रहा है। खबर है कि अब तक की जंग में इजरायल की सेना ने इतनी भारी तादाद में गोले दागे कि अब इजरायल को खुद गोलों की जरूरत महसूस हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल के गोले वाला गोदाम खाली हो रहा है और आने वाले वक्त में इजरायल को गोलों को इम्पोर्ट करना बहुत जरूरी है। परेशानी ये है कि इसराइल को तोप के गोले अमेरिका से मिलते हैं। दावा किया जा रहा है कि इसराइल को जितने गोलों की जरूरत है उतने अमेरिका अभी बना ही नहीं पा रहा है। अमेरिका रोज 500 गोले ही बना सकता है। इसराइल ने 155 mm के 10 लाख गोलों का ऑर्डर दे रखा है। दावे के मुताबिक ऑर्डर की सप्लाई 2024 से पहले होना मुश्किल है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि गाजा से जंग शुरू होने के बाद इसराइल के पास गोलों की कमी हो गई है। दावा तो यहाँ तक है कि इसराइल को इतने गोलों की जरूरत है जिसे अगर अभी नेटो देश मिलकर भी तैयार करें तब भी तैयार नहीं हो पाएंगे। गाजा जंग में इसराइल ने भारी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल किया है। अगर हथियारों का प्रोडक्शन थमा और गोला बारूद कम तैयार हुआ तो इसराइल का युद्ध और उसका गाजा के खिलाफ ऑपरेशन औंधे मुंह गिर जाएगा। यही वजह है कि इसराइल अमेरिका में मौजूद हथियारों की फैक्ट्री की पल पल की अपडेट ले रहा है। बेन्यामिन नेतन्याहू की नजर फैक्ट्री के उत्पादन पर है।
इजरायली सेना की नजर हथियारों की लॉन्चिंग और उससे थर्राती गाजा की गर्मी पर भी। इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि उनका प्रोडक्शन रेट गिरे। बाइडन नहीं चाहेंगे कि हथियारों की फैक्ट्री की रफ्तार धीमी पड़े, क्योंकि इसराइल की सेना गाजा में काफी अंदर तक दाखिल हो चुकी है।